प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मिस्टर और मिस इंडिया चैंपियनशिप का आयोजन अगले माह 20 से 22 मार्च तक किया जा रहा है। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मुंबई चैंपियनशिप में कुल 40 लाख रुपए की इनाम राशि बांटेगी। इस चैंपियनशिप में देश के नामी सीनियर पुरुष और महिला बॉडी बिल्डर हिस्सा लेंगे। इंदौर में होने वाली यह 13वीं मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप होगी, जिसमें पुरुष और महिला बॉडी बिल्डिंग, 8वीं मेन्स स्पोर्ट्स फिजिक और वुमन मॉडल फिजिक की चैंपियनशिप का आयोजन होगा। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई सेमिनार और बैठकें भी होंगी। चैंपियनशिप में कुल 40 लाख रुपए के नगद इनाम दिए जाएंगे। इस चैंपियनशिप में फेडरेशन के संबंधित 45 संघों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी खेल बोर्ड की टीमें हिस्सा लेगी, जिसमें 600 खिलाड़ी और लगभग 300 ऑफिशियल हिस्सा लेंगे। 3 दिन तक सभी खिलाड़ियों और ऑफिशियलों को शहर में प्रेस्टीज होटल में ठहराया जाएगा। इस मुख्य आयोजन सयाजी के अंबर कन्वेंशन सेंटर में होगा। प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी स्पर्धा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से समस्त जनसमूह व खिलाड़ियों को एक ये सूचना करना है कि आगामी माह में इंदौर में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। उसी में सभी खिलाड़ी सही रूप से अपना तैयारी करके सम्मिलित हों। प्रदेश राज्य संस्थान यहाँ पर सभी उन खिलाड़ियों को वहाँ पर खेलने का आह्वान करता है जो सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ हम खिलाड़ियों से भी निवेदन करते हैं और उनके कोचेस और मैनेजर से निवेदन करते हैं कि खिलाड़ियों को सही संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदर्शित करें। भारतवर्ष में आज की तारीख में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन एकमात्र ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से मान्यता प्राप्त है और प्रदेश के अंदर राज्य शरीर स्वास्थ्य संस्था उज्जैन मध्य प्रदेश उसको संचालित करती है। काफ़ी सारे अन्य संगठन भी चलते हैं जो खिलाड़ियों को सही माध्यम से सही स्थान पे नहीं पहुंचा पाते हैं। आपके माध्यम से हमारा ये निवेदन है कि खिलाड़ियों को सही स्थान पे पहुंचे, सही मंच दें, क्योंकि जो संस्थाएं होती है वो संस्थाओं खिलाड़ियों को बहुत अच्छे स्थान पे शासकीय नौकरी दिलाने में मदद करती हैं और इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन एकमात्र ऐसी संस्था है भारतवर्ष में जो सही खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। विगत मान्यता के बाद में अभी तक 300-400 खिलाड़ियों को हम लोग रेलवे, ऑर्डिनेंस सर्विसेज और विभिन्न संगठनों में जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है जो मान्यता प्राप्त है उनमें हम खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं और हम प्रदेश के खिलाड़ियों को भी इतनी तैयारी करा रहे हैं कि वो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करके अपने मेडल लें और वो मेडल से उनके जो बनती है पारिश्रमिक अधिकार क्षेत्र से हम उनको स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंदर विभिन्न बोर्डों में नौकरी दिलाने में सहायक हो। हमारे राज्य शरीर स्वास्थ्य संस्था का कौन से लोग हैं जैसे कई सारे खिलाफ संस्था द्वारा क्या कार्रवाई की? देखिए, क्या होता है कि संस्था किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि हम बाध्य होते हैं। हम सभी खिलाड़ियों से यही आह्वान करते हैं कि आप सही स्थान पे खोले। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं किसी का नाम लेना आवश्यक नहीं समझता हूँ। हर जिले में एक दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए और अपने हित के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं, स्वयं संगठनों का निर्माण करते हैं और खिलाड़ियों को गलत राह पे चलने के लिए करते हैं, सिर्फ अपने अहम के चलते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।